नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अभी श्रद्धा वालकर की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी इसी तरह की हत्या का मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने करीब 6 दिन पहले एक लड़की का शव बरामद किया था, जिसे कई टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस ने बताया है कि शव को एक कुएं से बरामद किया गया, जिसके सिर कटे हुए थे, और ये घटना आजमगढ़ के अहरोला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि कुएं से बरामद शव आराधना नाम की महिला का था, और पुलिस ने इस संगीन हत्या के आरोप में अब मुख्य आरोपी प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर अनुराग आर्य ने बताया है कि प्रिंस आराधना की शादी दूसरे व्यक्ति से होने से नाराज था, और इसलिए उसने उसकी हत्या का इरादा किया। और अधिकारी ने यह भी बताया है कि इस साजिश में उसके माता पिता, बहन, माता, मामी और इसके साथ ही मामा, मामी और ममेरा भाई और उसकी पत्नी भी शामिल थे। पूरी घटना के दौरान प्रिंस के मामा का बेटा सर्वेश साथ ही रहा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रिंस यादव को 19 नवम्बर की रात को गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस जब रविवार को आला कत्ल बर्बादी के लिए उसे लेकर पहुंची तो उसने पुलिस दल पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में प्रिंस घायल हो गया। और पुलिस इंस्पेक्टर आर्य ने बताया है कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया बाका, लकड़ी का बोटा, तमंचा, कारतूस और अन्य सामान जो है वो बरामद कर लिया है। घटना में शामिल प्रिंस यादव के मामा के बेटे सर्वेश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, और इसके साथ ही साथ मामले के अन्य अभियुक्तों प्रतिमा यादव, सुमन राजा राम और इसके साथ ही कलावती मंजू और शीला यादव की तलाश की जा रही है। 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में एक युवती की डेड बॉडी मिली थी। इसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना, अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लाल रंग के ट्रॉली बैग में मिला शव दिल्ली की आयुषी यादव का निकला है। रविवार को मृतका की मां और भाई ने शव की शिनाख्त की है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आयुषी का मर्डर ऑनर किलिंग का मामला बताया जा रहा है, और पुलिस ने ही बेटी को गोली मारी थी और फिर शव को सूटकेस में रखकर मथुरा के राया इलाके में फेंकाया था। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, और एसपी सिटी एमपी सिंह का कहना है कि युवती जो है वो 17 नवंबर को सुबह घर से निकली थी और दूसरे दिन यानी 18 नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर एक ट्रॉली बैग में उसका खून से लथपथ शव मिला था। युवती के सिर, हाथ और पैरों में चोट के निशान थे और छाती में गोली मारी गई थी। मथुरा पुलिस ने मृतका की शिनाख्त के लिए 8 जो टीमें हैं वो लगाई थी, और पुलिस की टीमें युवती की पहचान के लिए गुरुग्राम, आगरा, अलीगढ़ और हाथरस, नोएडा और दिल्ली तक पहुँची थी। और पुलिस के मुताबिक लगातार छानबीन में लावारिस शव की जो पहचान है वो आयुषी यादव पुत्री नितेश यादव निवासी गली नंबर 65 और गांव मोड़ बंद थाना बदरपुर के तौर पर हुई है। इसके बाद पुलिस की टीम युवती के घर पहुंची, जहां उसकी मां और भाई मिले और जबकि पिता गायब था। इसके बाद दोनों को पोस्टमार्टम गृह लाकर ही शव की पहचान कराई गई। मां ने शव अपनी बेटी आयुषी का ही बताया और कुछ जो आगे के बताने से उसके इनकार कर दिया। आगे की जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें मथुरा से खबर है, जहाँ पर एक युवती की सूटकेस में बॉडी मिली है। ये परसों एक राया कट के पास एक युवती का रेड बैग में, ट्राली बैग में डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त के लिए हमारी पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आज हम लोगों को सूचना मिली और उसके परिवार की, उसकी माँ और उसके भाई आए हैं, उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं, और अब उनके परिवार से हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या गतिविधि रही है और आगे हमारी क्या कार्रवाई होगी। परिवार जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, हम लोग आगे उसके बढ़ेंगे। खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता पिंटू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, और एक बार फिर से पिता ने ही बेटी की हत्या की है, ऐसी खबर सामने आ रही है मथुरा से। जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा में 2 दिन पूर्व में
जो इसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, ये दिल्ली की रहने वाली है। मथुरा SSP अभिषेक यादव ने इसमें 8 टीम लगाई थी और जांच में 8 टीम लगाई थी, जिसके दौरान वही मथुरा की पुलिस ने इसकी शिनाख्त कर ली और दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है। पिंटू, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, ऐसे लगातार जो शव है वो लगातार मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, और देखा जाए तो कुछ साफ हो पाया है कि ये हत्या क्यों की गई है? देखिए भाई, मृतक के जो परिजन हैं, उनकी माँ और बेटे हैं, मथुरा पुलिस कस्टडी में ले रखी है और उनसे पूछताछ जारी है। जब तक मथुरा पुलिस पूरी संरचना निकाले, जब तक वो कुछ कह नहीं सकते। जी पिंटू, और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि जो लड़की की जो हत्या है, जो उसके पिताजी ने की थी, कोई वजह बताई जा रही है, जिसमें तो अभी पुलिस इनसे घर वालों से पूछताछ कर रही है। पर सवाल ये है कि जिस तरह जो लड़की की लाल सूटकेस में जिस तरह की जो उसकी जो बॉडी मिली थी, मथुरा की भविष्य नगरी में जिस तरह बॉडी मिली थी, और बॉडी मिलते ही लोगों में सनसनी फैल गई थी कि आखिर ये जो है सब किसका है। तो मथुरा पुलिस अधीक्षक ने इसमें 8 टीम लगाई थी, और 8 टीम लगाने के बाद 2 दिन बाद में फिर मथुरा पुलिस ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था, जिससे कि इस लड़की की पहचान हो। पर पहचान अब इसकी हो चुकी है, बताया जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें घर वालों का हाथ था। जी पिंटू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। छावला गैंगरेप केस में दोषियों को बरी करने को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी, और दिल्ली के ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इसकी मंजूरी दे दी है। और इतना ही नहीं, वीके सक्सेना ने सॉलिटर को लेकर भी तुषार मेहता को सरकार का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छावला गैंगरेप के 3 दोषियों को बरी कर दिया था, और इन दोषियों को निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। और इस मामले में निचली अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, और हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए ही 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला। अदालत ने मामले में पुलिस की लापरवाही का जिक्र किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की दलील थी, गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान नहीं की, और 49 गवाहों में 10 का क्रॉस जो करा गया था, और इसके साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए ही कोई परेड नहीं कराई गई। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत युवाओं की सहभागिता कार्यक्रम में फतेहपुर जिले में आए जूना अखाड़े के महंत चैतन्यपुरी महाराज को आस्य व्यंगकार अनु अवस्थी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा है कि गंगा की सफाई के लिए यदि हर व्यक्ति स्वयं संकल्प ले कि सिर्फ मैं आज से गंगा को किसी रूप में प्रदूषित नहीं करूँगा, तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर गंगा पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगी। महंत चैतन्यपुरी महाराज ने गंगा के को बताते हुए कहा है कि गंगा माता से भारत की दुनिया में पहचान होती रही है, लेकिन आज गंगा का प्रदूषण चिंताजनक है और जिसे साफ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत सामाजिक संस्थाओं और सरकार के सहयोग से यह कार्य पूरा किया जा सकता है, और गंगा की स्वच्छता जरूरी है क्योंकि यह दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। क्या उद्देश्य समझिए, गंगा कैसे पवित्र हो, अविच्छिन्न हो, आबाद हो, अखंड हो, स्वच्छ हो, ढोबर हो, सुंदर हो, सेठ हो, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनपद फतेहपुर द्वारा नेहरू युवा केंद्र और नमामि गंगे परियोजना द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट काम किया जा रहा है। बस्ती की एक शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि शादी में हर्ष फायरिंग में रोक के बाद भी जमकर हर्ष फायरिंग की गई है, और वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
साथ ही इसको लेकर एक आरोपी अरेस्ट भी किया गया है। तो बस्ती से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर शादी में फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर कार्यकर्ता समीक्षक बैठक में ही आज भाग लेने बस्ती पहुंचे और सम्मेलन के बाद ही उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम लोग गठबंधन को सच्चाई से निभा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन में भस्मासुर का रोल अदा किया है। वो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते थे। और वहीं अब्बास अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी एक्सीडेंटल विधायक है, उनको हमारी पार्टी ने गठबंधन में सिंबल दिया था, वो अखिलेश यादव के विधायक हैं। देखिए अब्बास अंसारी का जहां तक प्रश्न, वो एक्सीडेंटल विधायक हुआ है। अखिलेश यादव गठबंधन तो जरूर रहा, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भस्मासुर का रोल अदा किया है। और हम लोग दोस्त बनकर के काम करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भस्मासुर का रोल अदा किया और वो हमारी पार्टी को ही खत्म करने के पीछे पड़ गए। जहां तक प्रश्न रहा अब्बास अंसारी का, हमारे नेताजी ने भी कहा और मैं संगठन देखता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि अब्बास अंसारी अखिलेश यादव के ही विधायक हैं। और जो बस्ती में हमारे दूर राम जी माननीय विधायक जी हैं, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। आप उनसे सुधर सकते हैं कि आप किसके विधायक हैं, तो बता देंगे कि हम किसके विधायक हैं। मुरादाबाद के केजीके पीजी कॉलेज में ही एक महिला एसोसिएट प्रोफेसर का अश्लील वीडियो बनाए जाने का शर्मसार जो मामला है वो सामने आया है। ये वीडियो लेडीज टॉयलेट में छुपा कर रखे गए मोबाइल फोन से शूट किया गया था। पुलिस छानबीन में पता चला है कि कॉलेज के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने ही मोबाइल फोन को चालू करके लेडीज टॉयलेट में छुपा कर वीडियो बनाया था। एसोसिएट प्रोफेसर को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने पहले कॉलेज प्रबंधन को खबर दी, फिर पुलिस के पास पहुंची और पुलिस ने कॉलेज के ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजेश कुमार का मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें टॉयलेट में शूट की गई वीडियो बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर की तहरीर पर ही आरोपी के खिलाफ मझोला थाने में FIR दर्ज कर ली है और आरोपी राजेश की तलाश में पुलिस फिलहाल छापेमारी कर रही है। आपको बताते चलें कि पुलिस को शक है कि आरोपी ने और भी छात्राओं और महिला टीचरों के वीडियो बनाए होंगे। देखिए थाना मझोला में एक FIR प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला प्रोफेसर के द्वारा ये बताया गया है कि टॉयलेट में जब वो अंदर गई थी तो वहाँ पे एक मोबाइल चालू हालत में रखा हुआ था और जब उसको जांच किया गया तो वहीं के एक एम्प्लॉई, जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, वो मोबाइल था जो कि उस समय वहाँ पे रखा हुआ था। हमारे महाविद्यालय की एक लेडी अध्यापिका ने शिकायत की कि लॉ विभाग में जब उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया तो वहाँ एक मोबाइल उनको वर्किंग कंडीशन में मिला। और ये घटना उन्होंने 11 तारीख की शाम को महाविद्यालय बंद होने के बाद उसको रिसीव करवाया, क्योंकि परीक्षा चल रही थी तो उसको रिसीव कर लिया गया पत्र को, और 14 को पत्र हमें प्राप्त हुआ। वो उसी दिन पुलिस को FIR करने के लिए, FIR की डिमांड उन्होंने की थी, FIR करने के लिए पुलिस को भेज दिया गया था। वो FIR पुलिस के प्रशासनिक कारणों से उस दिन लॉन्च नहीं हुई। फरुखाबाद हर साल की तरह इस साल में दो बार चेयरमैन पति मनोज अग्रवाल और पत्नी बसला अग्रवाल साल में दो बार नगर और आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी करवाते हैं। और इसी तरह से आज विशाल स्टेज पर सजे धजे नव जोड़ों ने जैसे ही एक दूसरे को गले में वरमाला डाली तो उन पर पुष्प वर्षा होने लगी और सूचना पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मौजूद अधिकारियों और कार्यक्रम आयोजक पूर्व MLC ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देकर नए जीवन की शुरुआत करने की बधाई दी है। तो आपको बता दें फरुखाबाद से खबर है जहां पर पहल की गई है। आपको बता दें कि 83 जोड़ों की यहां पर शादी करवाई गई है और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। फरुखाबाद
का सबसे सौभाग्यपूर्ण दिन रहता है। आज पूरा फरकाबाद में जश्न होता है, हर गली मोहल्ले से लगभग यहाँ बच्चों की शादियाँ होती हैं। ये 15वां साल है आज, 5वीं बार ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है। लगभग 85 बच्चों की शादी और निकाह था, आज निकाह था क्या है, अभी चल रहा है। क्या ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कई वर्षों से? ये प्रेरणा हमारे स्वर्गीय पिता श्री किशन स्वरूप जी की देन है। पहले हम लोग शादियाँ मतलब हमारी याद से कर रहे हैं, जब से हमारा बचपन के बाद हमें याद है, लेकिन अभी तक हम लोग करते थे उनके घरों पर, कहीं और पर, अपने प्लॉट पर, अपने बाग में ऐसे करते थे, एक दो करके करते थे। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद हमारे पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हें अपना वार्षिक उत्सव करना है, जब एक वर्ष पूरा हुआ, करना ही अगर कोई काम है तो आप बच्चों की शादियां करो। समझ सकूं कि मैं अपनी तकदीर का लिखा समझ सकूं, बस मैं अपनी बेटी की मुस्कुराहट देखकर ही समझ जाता हूं कि मेरी तकदीर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सुमेर सागर में मौजूद एक मकान में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही प्रोसेसिंग और इसके साथ ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया है कि परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि उनकी छोटी बहू ने आत्महत्या कर लिया है। मौके पर ही टीम पहुंची और इसके साथ ही पुलिस टीम भी पहुंची और वहां पर नियम अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजनों भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि मृतका की शादी 2020 में हुई थी, तभी से उसके ससुराल वालों उसे प्रताड़ित कर रहे थे। आज दिनांक 18/11/2022 को लगभग शाम को 5:30 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि सुमेर सागर के निवासी धर्मशाला बाजार चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना गोरखनाथ अंतर्गत इन्होंने इनके यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि छोटी बहू ने हैंगिंग कर लिया है। जालौन में 151 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ही कार्रवाई की गई है। अवैध खनन और लोकेशन गैंग में लिप्त 29 गैंगस्टर के मामलों में 151 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि गोकशी, सामूहिक बलात्कार, हत्या, अवैध खनन और लोकेशन करियर गैंग से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं MP जालौन रवि कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से धनोपार्जन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के सियाना रोड पर एक असेंट कार में भीषण आग लग गई और कार में आग लगने से बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे सवारियों और चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी अपनी जान बचाई है। वहीं आग के कारण बता दें आपको कि आग के कारण ही कार जलकर खाक हो गई। आगरा में हनी ट्रैप गिरोह पर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि अपराधियों ने व्यापारियों से ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए मांगे थे। अपराधी लोगों को महिला साथी के साथ मिलकर दोस्ती के जाल में फंसाते थे, उसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाते थे और जिसके बाद वह लोगों को ब्लैकमेल करते थे। मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तार किया है और फिलहाल एक महिला सहित कुछ और लोग फरार हैं। देखिए, थाना जगनेर में एक बड़ा मामला सामने आया है। ये वहाँ पर हनी ट्रैप एक गैंग है जो कि इसमें महिला भी शामिल है, जो बड़े बड़े सेठ जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं और उनके वीडियो वगैरह बना के नशीला पता सुंगा के उनके साथ अश्लील वीडियो बनाकर बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं। चूँकि वे सम्भ्रांत लोग होते हैं, अच्छे परिवारों से होते हैं, तो इस दबाव में आते हैं, उनसे फिर ये पैसा मांगते हैं। मंगलौर क्षेत्र में पशु चिकित्सा वैन योजना को लेकर पशुपालकों में खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि पशुपालकों को अपने बीमार पशु के इलाज के लिए चिकित्सा केंद्रों तक ले जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी,
लेकिन जैसे ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पशु चिकित्सा वैन योजना का शुभारंभ किया तो पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 60 मोबाइल चिकित्सा वैन को हरी झंडी देकर योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड में अब पशुपालकों को हर घर पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगी और प्रदेश में पहली बार मोबाइल चिकित्सा वैन योजना शुरू कर दी गई है और ये सेवा 1962 डायल करने पर उपलब्ध होगी। वहीं पशु चालक इस योजना की शुरुआत से काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भाई ऐसी योजना जो है पशुपालकों के लिए उन्होंने निकाली है, पशु चिकित्सा वैन। इससे जो है पशुपालकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे भाई अपने पशु कोई बीमार हो जाते थे तो चिकित्सक को घर बुलाना पड़ता था या फिर दूसरी जगह ले जाना पड़ता था पशु को अपने खर्चे से, उसमें काफ़ी खर्चा होता था। तो इसमें यह है कि पशुपालकों को बहुत लाभ मिलेगा। जैसे किसी का पशु बीमार पड़े तो अपना हेल्पलाइन नंबर है 1900 पर कॉल करके पशु चिकित्सा वैन बुलाए। रुड़की के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झगड़ा होने पर मेडिकल बनवाने के लिए पहुंचने वाले लोगों का अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर की जा रही हजारों की अवैध वसूली का मामला अब खानपुर विधानसभा से विधायक उमेश कुमार तक पहुंच गया है। उमेश कुमार ने अच्छा मेडिकल बनाने का झांसा देकर अवैध वसूली करने वाले डॉक्टरों को समाज के लिए कोड बताया है। उनका कहना है कि मामला बहुत गंभीर है और इस मामले पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे और जल्द ही सिविल अस्पताल में पहुंचकर निरीक्षण करेंगे और अवैध वसूली करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई कराएंगे। बता दें आपको कि रुड़की के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां पर कुछ डॉक्टर और उनके दलाल झगड़ों में घायल हुए लोगों को अच्छा मेडिकल बनाने का झांसा देते हैं और मोटी रकम वसूल करते हैं। हालांकि मोटी रकम वसूलने के बाद बनाया गया मेडिकल घायल लोगों के किसी काम नहीं आता है, क्योंकि पुलिस के द्वारा आम झगड़ों में गिनी चुनी धाराएं ही लगाई जाती हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिस कारण वो इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और उनके दलालों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस अवैध वसूली के खिलाफ लोगों ने कई बार हंगामा भी किया है। की जनता का नुकसान नहीं हो रहा, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। जिस मामले में किसी को गंभीर चोट नहीं है, आप गंभीर चोटें उसको दिखा देते हैं तो जो दूसरा पक्ष है वो गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत करा देता है। जो लोग हत्या तक कर देते हैं, अपने साथ किसी को घर से बिठा कर ले जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो गंभीर सर की चोटों को वो लोग शॉक इंजरी ठीक है, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग लिख के जो डेंजर टू लाइफ या डेथ होती है उन सबको भी जो है एक प्राकृतिक दुर्घटना में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सीडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा किसान सहकारी चीनी मिल पहुंचे और यहां उन्होंने विधिवत गन्ना पेराई का दूसरे सत्र का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि शुरुआती हालात के अनुसार चीनी मिल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सरकार के अथक प्रयास के बाद चीनी मिल दूसरा पेराई सत्र शुरू करने जा रही है और गन्ना किसानों ने सरकार की नीति पर विश्वास करते हुए इस बार जिले में 20% गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में 17.5 लाख कुंटल गन्ना पेराई हुआ था और इस बार गन्ना पेराई का 27 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी सरकार मिलकर गन्ना किसानों के साथ कार्य कर रही है और कैबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि किसानों की समय पर पेमेंट चीनी मिल को सुचारू चलाने और व्यवस्थाओं को कल्याणकारी बनाने के लिए सिद्धांत पर ही बीजेपी सरकार कार्य कर रही है। गन्ना किसानों के लिए भी प्रदेश सरकार पर भरोसा जताते हुए गन्ना क्षेत्रफल 20% बढ़ा दिया गया है और सरकार को विश्वास है कि किसान आगे भी गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। उन्होंने किसानों से अधिक क्षेत्रफल में गन्ना लगाने की भी अपील की और कहा कि गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए आगे भी कार्य किए जाएंगे। सितारगंज चीनी मिल, जिसके ऊपर बहुत सारी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई थी 21 तक, वो लगातार अपना दूसरा पराई सत्र चलाने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 17.5 लाख क्विंटल पराया था, इस बार का हमारा लक्ष्य 27 लाख क्विंटल का है। इस बार 20% उधम सिंह नगर में जो है गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा भी है, तो इसका मतलब कि किसानों के अंदर भरोसा जगा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार
गन्ना किसानों के हित के लिए है, इसीलिए 20% गन्ना हमारा बढ़ा है पूरे उधमसिंह नगर में। मैं विश्वास दिलाता हूँ सितारगंज के और अन्य हमारे क्षेत्रों के गन्ना किसानों को कि सरकार आपके साथ काम कर मिलकर काम करना चाह रही है, गन्ना उत्पाद बढ़ाना चाह रही है, आपका पेमेंट समय पर हो, आपको चीनी मिल सुचारू रूप से चले, ये हमारी प्राथमिकता है। लक्सर के बसेड़ी गांव में ग्रामीणों के अनुसार दो महिलाओं की मौत अभी तक कुल मिलाकर डेंगू से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में लोग डेंगू से सहमे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया जा रहा है लेकिन सही और पूरी मात्रा में दवाइयां न मिलने के कारण बसेड़ी में फैल रहे डेंगू पर भी अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भी स्वास्थ्यकर्मी लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं, गाँव में छिड़काव कराया भी जा रहा है लेकिन इस सब के बावजूद भी गांव में फैल रहे डेंगू पर किसी तरह का अंकुश नहीं लग रहा है। ग्रामीणों में डेंगू से दहशत बनी हुई है। ग्रामीण सरकार से उच्च स्तरीय स्वास्थ्य टीम की मांग कर रहे हैं जिससे बसेड़ी के ग्रामीणों को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके और बसेड़ी गाँव में हर कोई डेंगू के प्रकोप से सहमा हुआ नजर आ रहा है। हमारे द्वारा 7 तारीख से पिछले महीने की कैंप लगाया गया था हफ्ते भर का, उसके बाद जब अभी बीच में 9 तारीख को हुआ था तब से लगातार वहाँ पर कैंप चल रहा है। और रही बात सैंपलिंग की रिपोर्टिंग की, तो सैंपलिंग में जो भी नंबर वहाँ पर दे रहा है वो चंद्र के माध्यम से आ रहा है जिसके उसका मोबाइल में ही रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।